ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आप मकर राशि के जातकों के राशिफल के विषय में महानवंबर के लिए, लेकिन उससे पहले यह जानने की कोशिश करेंगे कि महानवंबर में आप मकर राशि के जो जातक हैं उनकी ग्रह गोचर स्थिति क्या कहती है, आइए जानते हैं। तो मित्रों, राहु आपके कुंडली के अनुसार आपके सप्तम हाउस में यानी सेवेंथ हाउस में, सप्तम भाव में, कर्क राशि में विराजमान है। सूर्य और शुक्र की युति आपके कुंडली के दशम भाव में बनी हुई है और सूर्य यहाँ नीच राशि में विराजमान है। इसके अलावा बुध और गुरु की युति आपके कुंडली के एकादश यानी के इलेवेंथ, एकादश भाव यानी के इलेवेंथ हाउस में वृश्चिक राशि में बनी हुई है। शनि आपके कुंडली के द्वादश यानी के ट्वेल्थ हाउस में धनु राशि में विराजमान है। मंगल और केतु की युति आपके कुंडली के प्रथम भाव यानी के लग्न भाव में मकर राशि में बनी हुई है और मंगल यहाँ पर उच्च राशि में विराजमान है। तो मित्रों, यह है आपकी ग्रह गोचर स्थिति महानवंबर की, लेकिन इसके साथ साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस महानवंबर में कौन से ग्रह हैं जो अपनी राशि को परिवर्तित करने जा रहे हैं, अपनी राशि छोड़कर के दूसरी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि सूर्य जो कि अभी अपनी नीच राशि में है विराजमान, वो 16 नवंबर को अपनी मित्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जो कि आपकी कुंडली के एकादश भाव में पहले से ही बुध और गुरु की जहाँ युति बनी हुई है उसी में ही सूर्य अपने मित्र ग्रहों के साथ जाकर के विराजमान होंगे अपनी मित्र राशि में। मंगल 6 नवंबर को अपनी शत्रु राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपकी कुंडली का द्वितीय भाव यानी के सेकंड हाउस है। बुध वृश्चिक राशि में बने रहेंगे पूरे माह और 17 नवंबर को ये वक्री होंगे और 22 नवंबर को ये अस्त होने वाले हैं। गुरु यानी कि बृहस्पति जो कि अपनी वृश्चिक राशि में ही पूरे माह बने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर ये 10 नवंबर को अस्त होने वाले हैं। मित्रों, यहाँ हम आपको एक विशेष बात बताना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो हमारे हिंदू पंचांग ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अनुसार तारा डूबना कहलाता है और जब तारा डूबता है तो कोई भी बड़े शुभ कार्य करने वर्जित होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे बताएंगे कि शुक्र जो है वो पूर्ण माह तुला राशि में बने रहेंगे और 1 नवंबर को ये वक्री स्थिति में उदय हो जाएंगे, अभी ये अस्त अवस्था में है। और शनि जो कि धनु राशि में है बने रहेंगे, राहु जो कर्क राशि में है बने रहेंगे और केतु जो कि मकर राशि में है बने रहेंगे पूरे माह। इस राशि के जातकों के विषय में बताना चाहेंगे कि इनका व्यक्तित्व कैसा होता है। अभी जैसा कि हमने आपको पहले अभी चर्चा की थी कि ग्रह गोचर स्थिति महानवंबर के लिए आप मकर राशि वालों की कैसी रहने वाली है, इसके उपरांत अब हम आपको आपके व्यक्तित्व के विषय में थोड़ी सी एक छोटी सी चर्चा करना चाहेंगे यहाँ पर। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस राशि के जो जातक होते हैं वो कठिनाई में भी किसी भी सहायता के लिए कहते नहीं हैं किसी से, ये इनकी एक विशेष बात होती है। और अपने पुराने मित्रों से इनके बड़े अच्छे संबंध रहते हैं, उनके संबंध को ये बना करके रखते हैं मकर राशि वाले लोग। इस बात का ये विशेष ध्यान रखते हैं कि जो इनके पुराने संबंध बने हुए हैं मित्रों के साथ वो इनके बने रहें। तो ये थी एक बहुत छोटी सी चर्चा आपके व्यक्तित्व के विषय में मकर राशि के जो जातक हैं। आगे आप चर्चा करेंगे कि महानवंबर में आपका व्यवसाय कैसा रहने वाला है आपके ग्रह गोचर अनुसार। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि आपको माह के पूर्वार्ध से यानी के आरंभ से मध्य तक अपने व्यवसाय में परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। ऐसा योग है कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े और आपके मान सम्मान में भी कमी होने के संकेत हैं। हो सकता है कि आपके मान सम्मान में भी
कमी हो। लेकिन जो भी कार्य आपके द्वारा इस माह किया जाएगा उसका श्रेय किसी दूसरे व्यक्ति को मिल सकता है। हो सकता है कि जो कार्य आप करें अच्छा कार्य करें लेकिन उसका क्रेडिट यानी कि श्रेय आपको ना मिल करके किसी दूसरे को मिल जाए, ऐसे योग बन रहे हैं इस माह। लेकिन हाँ, एक आपके लिए अच्छी भी बात है यहाँ पर कि महा मध्य के उपरांत निश्चित रूप से स्थिति में सुधार होगा और आपके व्यवसाय की स्थिति भी संतोषजनक बनती रहेगी। वैसे यहाँ पर आपको यह सलाह दी जाती है, आपको हमारी ओर से यह परामर्श भी है कि आप अपने सभी कार्य पूरी कुशलता पूर्वक करने की चेष्टा करें, कोशिश करें, क्योंकि आपके ऊपर ये नहीं भूलना चाहिए कि शनि की 7.5 भी चल रही है। इसलिए आपको यहाँ पर अपने कार्य में बहुत अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि कभी भी इन चीज़ों को सहन नहीं करते हैं, लापरवाही बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। बहुत डिसिप्लिन, बहुत अनुशासन में रहने वाले ग्रह हैं ये शनि, और जो व्यक्ति अनुशासन में रहता है, ईमानदारी से रहता है, परिश्रम करता है, शनि की चाहे 7.5 हो चाहे 2.5 हो, ये उसी को ही उसी के ऊपर अपनी कृपा बनाते हैं, कृपा इनकी उसी व्यक्ति के ऊपर आती है। लेकिन जो थोड़ा छल कपट या इन चीज़ों की तरफ को जाने की चेष्टा करता है शनि उसको दंडित अवश्य करते हैं, ये अवश्य ध्यान रखिएगा आप। तो मित्रों, ये था आपके व्यवसाय के विषय में। आगे चर्चा करेंगे आपकी वित्तीय स्थिति कैसे रहने वाली है माह नवंबर में। तो बताना चाहेंगे कि इस माह जो आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार आपकी आय के साधन तो अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन आय के साथ साथ व्यय भी विशेष रूप से होता रहेगा, जिन पर आपको कुछ नियंत्रण रखना होगा। लेकिन आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल कार्य होगा नियंत्रण रखना, लेकिन हमारा ये आपको कहना है यहाँ पर कि आप अगर कोशिश करेंगे नियंत्रण रखने की और रखिएगा तो अच्छा रहेगा। आगे चर्चा करेंगे मित्रों प्रेम संबंध के विषय में। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि इस माह प्रेम संबंधों के लिए जो आपके ग्रहों की स्थिति है वो आपके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी कड़वाहट रहने की स्थिति दिखाई देती है। आपको अपने क्रोध पर भी पूर्ण रूप से संयम रखना होगा और कोशिश कीजिएगा कि पूरे माह घर में ऐसी ही स्थिति बनी रहे कि आप शांति से रहें, क्रोध ना करें और घर में परिवार में माहौल शांतिपूर्ण ढंग से बना रहे, इसकी चेष्टा कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। आगे चर्चा करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए मित्रों, क्योंकि आपके ऊपर जैसा कि मैंने अभी कहा कि शनि की 7.5 तो चली रही है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पर भी पूर्ण रूप से ध्यान देना होगा। और अगर आपने अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा स्वास्थ्य में, और वैसे भी परेशानी होगी आपको। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस लापरवाही को ना करें तो आपके हित में होगा। राशि के व्यक्तियों के ग्रहों की स्थिति उनके स्वास्थ्य को लेकर के अच्छी नहीं है, इसीलिए हम इस बात पर इतना जोर दे रहे हैं कि आप अपने स्वास्थ्य का कृपया ध्यान रखिएगा प्लीज़। आगे चर्चा करेंगे कि आपके संतान के लिए ये माह कैसा रहने वाला है। देखिए, संतान संबंधित मिले जुले परिणाम सामने आने की संभावना है। पढ़ाई के क्षेत्र में तो परिणाम अनुकूल प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन अगर आपकी संतान खेल कूद आदि किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है या ले रहे हैं तो उसमें अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ जो है संतान के विषय में थोड़ा अच्छा नहीं है, और ध्यान रखिएगा, बच्चों को थोड़ा सा उनका हौसला अफजाई कीजिएगा, तो उनका उत्साह बढ़ाइएगा ताकि वो निराश ना हो। और ऐसे क्या उपाय किए जाएं कि आपको उनके पूरे माह शुभ फल प्राप्त हो। तो मित्रों, यहाँ यही कहना चाहेंगे कि शनि 40 का पाठ कीजिएगा या फिर शनि मंत्र की एक माला प्रतिदिन कीजिएगा और महामृत्युंजय का जाप अवश्य करें। जहाँ तक भी हो सकता है ज़्यादा नहीं तो कम से कम 21 बार, 51 बार, और एक माला अगर कर सकते हैं तो बहुत
अति उत्तम। महामृत्युंजय का जाप आपके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आप ये करते हो पाए। तो मित्रों, ये था आप मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए महानवंबर का राशिफल। इसके साथ हम आपको कहना बताना चाहेंगे कि आप हमारे ज्योतिष रतन लाइव जो चैनल है इसको लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे आगामी नवीन कार्यक्रम हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनको देख करके उनका समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। और मित्रों, यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे आपको कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही है या समस्या का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप हमारे से संपर्क करें, हमसे संपर्क करें और अपनी कुंडली की जांच करवाएं। और अगर कुंडली में आपकी कोई ऐसे योग हैं ग्रहों के कि जो आपको अनुकूल फल नहीं दे रहे हैं या कोई ऐसा दोष लगा हुआ है कुंडली में जिसके कारण आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके उपाय किए जा सकते हैं और उपाय आप कीजिएगा और उसका शुभ फल प्राप्त कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय माता दी।